क्या ये संसद में सुरक्षित नहीं है? आम जनता कैसे सुरक्षित होगी संसद में? ये तो अभी एक मौका मिला है लोगों को बोलने का, देश सुरक्षित है। मौका देंगे तो मिलेगा ना भाई साहब, अब मौका दे रहे हैं ना, तो मौका क्यों नहीं मिलेगा? आप गलती को स्वीकार कीजिए। सुनो, आप बॉर्डर पे कभी रहे हो क्या? मैं बॉर्डर पे नहीं रहा हूँ। देख, मैं बॉर्डर पे रहा हूँ, ये देखो, मैं बॉर्डर पे रहा हूँ, मेरे साथ बात करनी है तो बिल्कुल तरीके से और लीगली करो। मैं सम्मान कर रहा हूँ और एक एक फौजी का सम्मान करता हूँ मैं, लेकिन बात जब सुरक्षा की होती है तो सरकार को इतनी मतलब कब मना किया? हाँ। कि सरकार ने अच्छा काम किया है, हमने कब बोला? मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, गरीबी हटाया, इलेक्शन तो पहले बोला था कि वोट दे दो जितवा दो, हम गरीबी हटा देंगे, जनता के बीच में काम करेंगे, जनता उसको जितवा दिया, चुन दिया। तब मोदी ने आप बताओ कि मशीन बताओ कि वोट ले लिया, मशीन पकड़ा गई, घोटालाबाजी हो गई, तब जनता के बीच में क्या मतो कि मोदी चाल खेल गया? इनकी तो सवाल तो बिल ली है। सुनो, कांग्रेस ने तो गरीबी हटा दिए थे, इसने तो गरीबी नहीं हटाई। गरीबी था, बाकी मोदी गारंटी लिया था ना गरीबी हटाने के लिए? बातों की मोदी गारंटी लिया था ना बातों गरीबी हटाने के लिए, जब बातों की गरीबी हटा दिया, गरीबी नहीं हटाया ना? नहीं हटाई मोदी जी, कहाँ गरीबी हटाई? बातों की जनता तो चुन दिया, उनको जितवा दिया, मशीन पकड़ा गई। क्यों चुन रहे हैं अगर गरीबी नहीं हटाई? जनता ने कांग्रेस को क्यों हटा दिया मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हटा दिया जनता ने, कांग्रेस को हटा रही है? अरे तो वही जनता चुनेगा ने कि आप बच्चों की गरीबी हटाने के लिए कहा था, तो आप गरीबी बच्चों की हटेगा कि नहीं हटेगा? राज्य में चुनाव हुआ, राज्य में बीजेपी जीत गई ना? हाँ, जीत तो गई, जीत गई तो गरीबी तो हटेगा कि नहीं हटेगा? काम की वजह से जीत गई है वो कह रहे हैं। बातों की रोजगार तो हटा नहीं, महंगाई तो हटा नहीं मोदी जी से। हाँ, आप बताओ कि गरीबी हटा कहाँ से देंगे? कुछ हटाए ना हटाए, कांग्रेस को हटा दिया उन्होंने। मोदी जी इनको खाना ला के देंगे थाली में, तो ये कहेंगे कि अब हमारा गरीबी हटा है, ये कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ, तो ये क्या कर रहे हो ना कि बातों के सड़के पर घूम रहे हो तुम? मोदी जी, योगी जी आपको खाना नहीं, जोगी, अरे जोगी वो अपने जगह पर सही है, मोदी जी का बात चल रही है ना? आ दिए जोगी सही है, वो कर दिए, ये गलत बात है। जोगी सही है, जोगी सही है, ईवीएम हटा दीजिए, ईवीएम हटा दीजिए मोदी जी, सही में बिल्कुल ईवीएम ही मिला कर रही है हमारा अंकल जी। ये ईवीएम क्या कर रही है? एक परिवार, एक विधायक खड़ा हुआ, उसके परिवार में 50 वोट था, उसको एक वोट नहीं पड़ा, वो 0 वोट पड़ा उसको, उसका वोट कहाँ गया? 2024 में तो उसका वोट कहाँ गया अंकल जी? तेलंगाना में क्या हुआ आपसे जानना चाहता हूँ। तेलंगाना में बीजेपी नहीं थी? अच्छा, नहीं थी बीजेपी, इसलिए वहाँ पे पंगा हुआ ये। अरे तेलंगाना में बीजेपी नहीं थी, इसलिए पंगा वहाँ पे हुआ। दिल्ली में भी नहीं है, दिल्ली में भी ये होगा। कर्नाटक में कौन थी? अरे हिमाचल में कौन थी बताओ ना जी? हिमाचल में कौन थी भाई साहब बताओ? हिंदू लोग तो बताओ ना, सिर्फ नहीं हिंदू लोग तो बनाने के लिए हिमाचल में कौन थी? मोदी जो है सेंटर में आने के लिए ईवीएम में छेड़छाड़ करता है, बाकी जगह छेड़छाड़ इसलिए करता है क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जाती है। तीनों जगह पकड़ा है, तीन जगह जाल में लपेट के मशीन, लाइटिंग में गड्ढा में खोन के गाड़ी थी, सब हमारी हुई है, उनकी मशीन क्यों मिली है? गरीब का एक वोट नहीं था, सारा इस गांव में मेरे को वोट नहीं पड़ेगा, उस गांव का वोट मशीन खा रहे थे, शाम को 5 बजे तक वोट मशीन फेंक दी होती उस गांव की। अरे वो छोड़ दिए, हिमाचल में क्या हुआ? हिमाचल में बीजेपी सरकार थी, कांग्रेस कैसे आ गई? हिमाचल में कह रहे हैं ईवीएम खराब है, आप एक बात रही है। इनका ये कहना है कि जहाँ कांग्रेस जीतती है वो ठीक है, जहाँ बीजेपी जीतती है वो गलत होती है, इनका ये कहना हो रहा है ना? आप गलत ईवीएम पब्लिक क्यों नहीं बोलती? पब्लिक चुनाव ईवीएम नहीं बोलता, चुनाव आपने चश्मा लगाया हो चुका है बस। मैडम एक सवाल, बताओ की जीत रही तो बीजेपी कैसे जीत गया? ये सवाल तो सुन लिया, बीजेपी कैसे जीत गया? छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का चल रही है,
गिनती का वोट चल रही तो कांग्रेस का वोट चल रही आगे आगे, तो फिर बीजेपी कैसे आगे हो गया? मशीन खराब हो गया है, ये घोटाला से मोदी सब काम कर रहा है। अच्छी बात कर रही है आप, कांग्रेस के नेता है जनता का हार का मार खा कर उनका दिमाग हैंग हो गया है कांग्रेस वालों का, ताकि ईवीएम ठीक है ठीक है तो मशीन खराब हो गया इनके बारे में, मशीन पकड़ाई है तो उनको जनता क्यों ना जवाब ले रही है? जनता है मशीन पकड़ाई है तो जनता क्यों ना सवाल कर रही की मशीन पकड़ाई है? पब्लिक क्यों नहीं बोलता, मशीन पे पब्लिक क्यों नहीं बोलता, मशीन पे पब्लिक क्यों नहीं बोलता, आप क्यों बोलते हो? जहाँ राज्य में वोट हुआ वहाँ का पब्लिक तो बोला नहीं, पकड़ लिया पब्लिक से मशीन पकड़ लिया ऐसा में गलत हो गए, वोट डाल के पूरा परिवार तुम्हारा डाल दिया, तुम भी डाले और डाल के दारू पी लिया बस बीच में आ गया। काम बोलता है मोदी जी का, इस वजह से जीत रहे हैं। मोदी जी के तो सही लोग काम बोलिए रहा है, तो गरीबी कहाँ हट रही है, बेरोजगारी हो गया है, इन बच्चों के सब सड़के पर घूम रहे हैं। देखिए ना काम है, इस बाजार इतना फेमस बाजार है, दिल्ली का सबसे फेमस बाजार चांदनी चौक माना जाता है। यहाँ पे पब्लिक के पहले बहुत भीड़ होती है, यहाँ पे हम खुद बिजनेस करते हैं, हमारे पास दुकान में काम नहीं होता है, हम पूरे दिन दिन खाली रहते, बेरोजगार तो पूरी हो रखी है, हर चीज में महंगाई डबल हो गई है, किसी भी चीज सुई से लेकर के किसी चीज में चले हर चीज में डबल हो गई महंगाई। चावल 2014 से पहले क्या था, 20 रुपए किलो था, आज 50 रुपए किलो से सड़ा हुआ चावल भी नहीं मिलता है। कहाँ पे गरीबी हटा रहे हैं, गरीबों मार रहे हैं सरकार। तो मोदी ने दावा दिया था कि हम केजरीवाल के तौर पर काम करके दिखाएंगे दिल्ली में, तो केजरीवाल ने बेचारा स्कूल बना दिया, ये बताओ कि बिजली पानी सब फ्री कर दिया, गरीबों के दिल्ली में तो बताओ कि बसा रहा है, हम मोदी बताओ कि डंटा मार के भगा रहा है, हाँ तो गरीबी कहाँ मोदी हटाया, फिर मोदी का हटाना चाहिए ना, तो एक बने तब तो आम पार्टी है ना, आम पार्टी के सही सुनेंगे ना, मोदी दिल्ली में जीतने वाला था क्यों नहीं जीता, कुछ तो जनता देख रही होगी ना, तभी तो वोट कर रही है उन्हें। ओ वो जनता वोट के नाम पे जीत रही है, मोदी का काम एक भी नहीं सही है, कुछ नहीं किया इन्होंने, ओनली फॉर हिंदू मुस्लिम बस, काम नहीं किए हिंदू मुस्लिम करके मंदिर के यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बीजेपी वाले ना भाई साहब, मुद्राज कौन कह रहा है जानते हो आप? जानते हैं। ये बताओ हिंदू को मलेरिया कौन कह रहा है, एक बार बोलेंगे आप? ये बीच में बीमारी आया था, याद करिए ना, बीच में बीमारी मोदी लेके आया था, कोरोना लगाया था, कोरोना के नाम पर ये राम मंदिर बनाया है, एक मुर्दा बनाने के लिए एक मुर्दा बनाया है कि मंदिर के नाम पर हम वोट लेंगे, बाकी मोदी ना चलेगा मंदिर, मंदिर का फैसला नहीं होगा इनके। अरे अगर पुलवामा हमला नहीं करा था मोदी जी तो जीतने वाले नहीं थे, पुलवामा हमला की वजह से जीते हैं, इस बार जवाब मिलेगा इनको, पक्का मिलेगा, गारंटी है इस बार जवाब मिलेगा, इंडिया पार्टी की तरफ से इनको जवाब मिलेगा, हाँ पक्की है ये बात। तो 24 में मोदी की गारंटी चलेगी या नहीं? गारंटी चलेगी नहीं, तो जनता मालिक है, जनता से सेलेक्ट करेगा, पक्का है कि धोखा मिलेगा इनको बीजेपी वाले। कांग्रेस में खदेड़ रही है, हैदराबाद में मोदी क्यों नहीं जीत गया, हैदराबाद में जीत के देखा था तब ने जनता की, नहीं मोदी ने बाजी मार लिया, राजा खान ने गड़बड़ करके जीत गया, हैदराबाद में जीता ना, तेलंगाना में जीता ना, मोदी का नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा ये घोटाला बाजी, सब नेता जेल में जाएंगे, अभी बलात्कार हुई है, अभी 2 दिन नेता ने बैठा हुआ है उनके सीट पर, आज अभी बलात्कार उनका नेता पकड़ाया है, के पकड़ाया है, के पकड़ाया है बलात्कार, तो जा रही है क्यों जा रही है, तो अभी 2 दिन बैठला नहीं हुआ है, तो देखे काम सही हो रहा है कि खराब हो रहा है, अब जवाब दीजिए। जाहिर तौर पर ये वो खबर बता रहे हैं जो सुबह से ही टीवी चैनलों पर चल रही है कि बीजेपी विधायक ने नाबालिग बच्ची का रेप किया है, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार तो कर लिया, 15 तारीख उनको सजाया जो की सुनावल जाएगा 15 तारीख के, क्यों ऐसे हो रही नहीं? अच्छा ये बताइए, इनकी सरकार है, इनकी सरकार में सब कुछ बताओ कांड हो रहा है, बलात्कार हो रही है, चाकू चल रही है, गोली चल रही है, मर्डर हो रही है, आज इनकी सजा क्यों नहीं मिल रही है?
ये जवाब जनता तो चुनिए ने कि तुम तो जीता दिया, सरकार बना दिया, नेता लगा दिया। मोदी जी क्या करें कि आपको पसंद आ जाए? मोदी जी सबको जो रुपया में जहर डाल के पिरा दिया है, तब तो मोदी जी हो रही है। हाँ, बाकी मोदी जी के 2024 में ना आपकी जनता की अलग करके रखेगा। क्या अलग करेंगे? अलग करेंगे। हाँ। मोदी जी के तहाँ गुजरात में घर बना रखे हैं ना, वहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे, अचार बेचेंगे। हाँ हाँ, मोदी जी कभी तो स्कूल के आए गए नहीं, पीछे ही रह गए, ताकि आ जानेंगे कि हम कितना पढ़े लिखे हैं। वो केजरीवाल सही जवाब दिया था। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? राहुल गांधी तो बताओ कि प्रधानमंत्री बनेगा, वही बनेगा। पप्पू कह रहे हैं उन्हें। अरे तो मोदी तो चौकीदार चोर है, तो उनको तो चोर बना दो। हाँ, वो तो चौकीदार चोर है ना, बुढ़ा हो गया। हो गया क्या? क्या कर लिया? तो राहुल गांधी पप्पू कैसे हो गया? हाँ पप्पू, हाँ कौन? अभी नहीं सुन रहे हो कहा? बीजेपी के तमाम नेता मोदी कहते हैं। मोदी कहते हैं ये पप्पू कह रहे हैं, मैं मोदी को पनौती कर रहा हूँ। अरे वो नहीं कहते, वो कहते पप्पू फेल हो गया, पप्पू फेल हो गया। हाथ नीचे नहीं रहेगा, हाथ ऊपर रहेगा। सब बताओ कि मोदी ने पनौती क्या हुआ है कि देखिए कोई शहर में काम नहीं है। बताओ कि पूरा भारत का आदमी दिल्ली में क्यों आ रहा है काम करने के लिए? काम नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है। हमें तो सबसे अच्छा वो भी काम किया केजरीवाल ने, केजरीवाल का काम हमें सही लगा है, और मोदी का काम एक भी नहीं सही लगा है। केजरीवाल जो भी काम किए हैं सबके लिए करे हैं। मोदी क्या कहे, जो मिडिल क्लास। आप इसमें किसे प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं? मैं तो सोचता हूँ मोदी ना आए, बाकी कोई भी आए, केजरीवाल आ जाए। क्या किया मोदी ने 15 साल में? आपको क्या किया 10 साल? हाँ, 10 ही साल में क्या किया मोदी? खाली देश से जनता का ये मजदूरी छीन रहा है आपसे, और क्या किया? चोरी हो गया हमारे घर से, अंधेरा चोरी हो गया भाई। वो बहुत बड़ा चोर है मोदी, चोरी बहुत, मोदी बहुत बड़ा चोर है। हमारे घर से अंधेरा चोरी कर लिया, हमारे अगल बगल के लोग बेरोजगार थे, उनको बेरोजगार दिया। बहुत बड़ा चोर है वो, रोजगार दिया किसने? मोदी रोजगार दिया, बेरोजगार बना के रखा, सारा चीज बेच के धर दिया। सुनो मैं बोल रहा हूँ, पता है क्या, मोदी फिर आए और बर्बाद करे देश को, ठीक है? अभी 5वें नंबर पे है ना देश, मैं चाहता हूँ और बर्बाद हो, 2 पे आ जाए, 1 पे आ जाए। ये बर्बादी बहुत अच्छी लग रही है भाई मेरे को, बर्बादी। क्या किया युवा के लिए? इधर आ जाओ, सुनो, 18 साल का भले ही मैं नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं हूँ ना तो वोट तो सिर्फ मोदी को ही दूंगा। अगर बेरोजगारी के मामले में कितने नंबर? नौकरी नहीं मिल रहा बेरोजगारी के मामले में? अरे भाई क्यों नहीं मिल रहा, से मिलेगा? क्या नाम है, क्या नाम है? बादल गुप्ता। बेरोजगारी के मामले में हम किस नंबर पे आ रहे हैं? बेरोजगारी किस नंबर पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? भुखमरी, भुखमरी क्यों है? संसद में क्या घटना हुई? अरे अभी तो राहुल गांधी के जानकारी का अभाव है। 200 करोड़ बरामद हुआ है उसके घर से, 300 करोड़ से अधिक, 300 करोड़ से अधिक। क्या नाम है ये तो पता नहीं, ये पता नहीं है। बाकी मोदी के मशीन घोटाला ये पकड़ा गई, मोदी के ये बदलाव करने के लिए, राहुल गांधी के बदलाव करने के लिए। झूठा झूठा, जीतेगा केजरीवाल, इंडिया इंडिया, केजरीवाल केजरीवाल के नारा लगेगा, जीतेगा केजरीवाल दिल्ली से, केजरीवाल के नारा लगेगा इंडिया। हाँ, जीतेगा केजरीवाल दिल्ली से, मोदी बाप साहब दिल्ली से केजरीवाल कभी नहीं आएगा। तो लालू को जीता दो। हाँ, लालू जनता है जो बता रही है कि संसद की घटना के बाद 2024 में ये किसको प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। फिलहाल इस घटना के बारे में, इस पूरी खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें।